वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज हम बनाएंगे राजमा मसाला। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद पड़े तो उसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम राजमा मसाला बनाने वाले हैं तो इसकी सामग्री देख लेते हैं। तो मैंने ये बड़े वाले जो राजमा थे किडनी बीन्स उसको लिया है और उसको 8 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था और फिर प्रेशर कुकर में लेके नमक डाल के 4-5 विसल लगा के अच्छे से बॉईल कर दिया है। अच्छे से कुक कर देना है और बघार के लिए हम ऑयल लेंगे 1.5 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। 4-5 नंग लहसुन के लिए और उसको इसकी मैंने पेस्ट बना दी है और 1/2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है इसकी भी मैंने पेस्ट बना दी है। तड़के के लिए हम 1 टीस्पून जितना जीरा लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी अदरक की स्लाइस ले लेंगे, इससे राजमा का टेस्ट अच्छा आता है। 1 मीडियम साइज की ओनियन लेंगे और इसकी मैंने पेस्ट बना दी है। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इसकी भी मैंने प्यूरी कर दी है। 1 तेज पत्ता यानी बेलीफ लेंगे और स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे क्योंकि हमने राजमा को बॉयल करते समय भी नमक डाला है, इसीलिए थोड़ी हींग लेंगे, थोड़े चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1 टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हो, 1 टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर लेंगे। अभी सब्जी बनाना शुरू कर देते हैं तो मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को अच्छे से क्रैकर करना है। बाद में हम उसमें तेज पत्ता और हींग डाल देंगे। जीरा अच्छे से क्रैकर हो गया है, अभी तेज पत्ता और हींग डाल देंगे। अभी सभी अच्छे से क्रैकर हो गए हैं तो इसमें अभी हम अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और उसे 1/2 मिनट तक हम सौते कर देंगे। अभी प्याज की पेस्ट डाल देंगे और 1-1/2 मिनट तक हम इसे सौते करेंगे जिससे प्याज का कच्चापन निकल जाए। इस तरह से कंटिन्यू स्टर करना है। अभी जो हमने टोमेटो की प्यूरी तैयार की है वो डाल देंगे 1-1/2 मिनट होने के बाद। 1-1/2 मिनट हो चुकी है, अभी हम इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ढक्कन ढक के 3-4 मिनट तक हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। 3-4 मिनट हो चुके हैं, अभी हम अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे और उसे फिर से पकाएंगे। ढक्कन ढक के जब तक ऑयल सेपरेट ना हो तब तक पकाएंगे। लगभग 5-6 मिनट में हमारा ग्रेवी जो है वो अच्छे से कुक हो गया है, तेल अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है। तो अभी हम और मसाला इसमें डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हमने राजमा में भी डाला है इसीलिए सावधानी से डालिएगा। कटी हुई अदरक भी डाल देंगे, जो स्लाइस की हुई अदरक, इससे राजमा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम अभी पानी डाल देंगे। आप देख सकते हो अच्छा कलर आ गया है। अभी हम 1/2 ग्लास जितना पानी डाल के ग्रेवी को
पतला कर देंगे। आप अपने अनुसार पानी डाल सकते हो। अभी बॉईल किया हुआ राजमा डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी सब मिक्स कर दिया है। अभी ढक्कन ढक के मैं 10 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी, जिससे राजमा और ग्रेवी एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी 10 मिनट हो चुका है। अभी भी ग्रेवी हमारी थोड़ी पतली लग रही है, तो हम 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। अगर आपको राइस के साथ खाना है तो ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखिए। अभी फिर से ढक्कन ढक के मैं 3-4 मिनट के लिए और पका लूँगी, जिससे हमारी ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। 3-4 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से हमारे राजमा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो एकदम अच्छा कलर आ गया है और उसकी स्मेल भी अच्छे से आ रही है। तो अभी हम लास्ट में गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला लास्ट में ही ऐड करना है। गरम मसाला डालने के बाद 2 मिनट तक हम ऐसे ही खुला ही पकाएंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। अभी हम कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और 1-2 मिनट के लिए हम ऐसे ही पका लेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम पका लेंगे। आप देख सकते हो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ चुकी है। हमारा राजमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी हम गैस बंद कर लेंगे और इसे सर्विंग बाउल में ले लेंगे। आप देख सकते हो एकदम अच्छा कलर आ चुका है। तो हमारा राजमा मसाला तैयार हो चुका है, तो मैंने उसे सर्विंग बाउल में ले लिया है। आप राजमा को चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हो। तो तैयार है हमारा राजमा मसाला।